प्रजापति पावर टूल्स HDFC बैंक के पास नीम का थाना हर प्रकार की मशीनों का संतोषजनक कार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नीम का थाना क्षेत्र के बुदोली बाईपास पर फायरिंग का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी अनुसार बुदोली बाईपास पर फाइनेंस कर्मी रिकवरी का कार्य कर रहे थे, तभी बाइक सवार को उन्होंने रुकवाया तो बाइक सवार बदमाशों ने तेज में आकर फाइनेंस कर्मियों पर फायरिंग कर दी। बदमाशों ने दो फायर किए। इस घटना में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं आई है, जिसके बाद कोतवाली पुलिस DST टीम सहित स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से भी फायरिंग करने वाले बदमाशों को पकड़ा गया है। आरोपियों से दो पिस्तौल, एक चोरी की बाइक भी बरामद हुई है और नीम का थाना के सदर थाने में फायरिंग के मामले में को लेकर पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। जानकारी अनुसार आरोपी बांसुर के बताए जा रहे हैं और पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। धन्यवाद। ये सुनील वगैरह ये कोई फाइनेंस के लिए रिकवरी करते हैं, वहाँ ये खड़े थे तो मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति, जो बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी, जिस पर एक कोई सोनू गवारिया, सोनू गोठवाड़ और दूसरा धनपत गवारिया, ये उधर से निकल रहे थे। इन्होंने रोकने का इशारा किया, रोके नहीं तो इन्होंने मोटरसाइकिल छोड़ करके ये भागने लगे तो ये भी पीछे भागे और इन्होंने उसी समय फायरिंग कर दी। थाने पर जैसे ही सूचना मिली, SHO सदर और कोतवाली का जाब्ता इनके पीछे और साथ में जो दूसरे लोग थे, जनता थी, पब्लिक थी, वो भी साथ साथ भागे और गांवड़ी के पास करीबन 4-5 किलोमीटर जाने के बाद में इनको पकड़ा गया। और इनमें जो धनपत गवारिया था उसके पास में एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला और इन दोनों को अभी गिरफ्तार कर लिया है। और इस संबंध में जिनके ऊपर फायरिंग हुई है वो अभी अपनी रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। अभी रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में जो भी आगे कार्रवाई हो कार्रवाई करेंगे। और ये आर्म्स वगैरह कहाँ से लाए, इसके संबंध में पूछताछ की जा रही है और जल्दी इसका भी खुलासा किया जाएगा। तब बिना नंबर की बाइक थी, हम HF डिलक्स, दो जने थे उनके साथ में, बाइक के साथ में, तो हमने रुकने का इशारा किया तो ये गाड़ी नहीं रुकी। फिर गाड़ी, मतलब हमने गाड़ी रोकने का इशारा किया तो ये गाड़ी भगा दी बाइक को। फिर हमने गाड़ी का हमारी गाड़ी लेके गाड़ी को पीछा किया। पीछा करने के बाद में भी नहीं रुके। फिर आगे जब रेती आई तब हमने थोड़ी सी गाड़ी दबवा दी। दबाने के बाद में गाड़ी का संतुलन होके इनकी बाइक गिर गई नीचे। गिरने के बाद में ये दोनों भगने लगे तब हमने भी पीछा किया इनका। तब पीछा किया तब हमारे को इन्होंने हथियार दिखाए तो हम डर गए वहां से। मतलब हमने पीछा नहीं छोड़ा, आगे भी इनका पीछा किया। फिर आगे जब पहाड़ियों के आगे नहर आती है, नहर कूदने के बाद में इन्होंने फायर किया हमारे ऊपर। तब जो फायर है ना, जो हमारे पैरों में लगा, पैरों के आके सामने, तब आगे जाने के बाद गए अंदर ये, मतलब जो पहाड़ी क्रॉस करके सरसों में चले गए, सरसों से आगे नड़े में चले गए। फिर आगे जाने के बाद में एक दोबारा फायर किया हमारे। फिर फायर करने के बाद में ये आगे जो गाठा की रोड आती है उसको क्रॉस करके नलों में चले गए उधर गांवड़ी की तरफ। फिर वहाँ पे पुलिस और प्रशासन और गाँव वालों की साथ मिल के और इनको पकड़ लिया, सिलेंडर कर दिया उन्होंने। किसने पकड़ा? गाँव वालों ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, पकड़े थे पुलिस वालों ने।